नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन पीएम। जी हां, इन दिनों मुल्क के हर शख्स के जहन में यही सवाल है कि आखिर देश का अगला पीएम कौन होगा। यूं तो इसका फैसला एक महीने बाद होगा, लेकिन गुनहगार अगले पीएम का नाम तय कर चुके हैं। जी हां, काली दुनिया ने अगले पीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। सट्टा बाजार से निकली सनसनीखेज खबर, खबर ने नेताओं को हिला डाला। अगले पीएम का नाम तय हो गया। सटोरियों ने की बीजेपी की बल्ले बल्ले। मोदी का मुरीद हुआ सट्टा बाजार। सियासत के जंग अभी जारी है। हालांकि 16 मई को ही ये तय होगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनने वाली है और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन सट्टा बाजार 16 मई से पहले ही ये तय कर चुका है कि सरकार किसकी बनने वाली है और अगला पीएम कौन होगा। सट्टा बाजार पूरी तरह से मोदी का मुरीद हो चुका है। सटोरिये ठोक बजाकर ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अगले पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की जो चल रही है ना, मोदी फेवरेट चल रहे हैं सबसे। मोदी जी का 42 पैसे रेट है, अगर आप 1 लाख लगाते हो तो आपको 42,000 मिलेगा। मतलब सबसे फेवरेट जो सिस्टम चल रही है, बीजेपी चल रही है और नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। सबसे कम दाम मोदी पर लगा है और कम दाम उसी पर लगाया जाता है जिसके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है। ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। सट्टा बाजार के खिलाड़ियों की माने तो अब तक देश विदेश में 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए दांव पर लग चुके हैं। सट्टा बाजार आम चुनावों में पूरे शबाब पर चल रहा है। सट्टा तो जी कई करोड़ों का, कई अरबों का लग चुका है इस पे। इसकी तो गिनती नहीं, पूरे वर्ल्ड में सट्टा लग रहा है इस टाइम। इंडिया के ऊपर पूरे वर्ल्ड पे पैसा लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड से पैसा इंडिया पे लग रहा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा लग चुका होगा। इसका तो कोई अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते, जितना कहोगे उतना कम ही है, बहुत पैसा लगा उसके ऊपर। बैलेट बॉक्स जब खुलेंगे तब खुलेंगे, चुनाव आयोग नतीजे जब सुनाएगा तब सुनाएगा, मगर इन दिनों सट्टा बाजार देश का मुकद्दर तय कर रहा है। सटोरियों ने तय कर दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। सट्टा बाजार कहता है कि इस बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बिना समर्थन के सरकार बनाना भी बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं होगा। उसमें बीजेपी की ना 200 सीटें आने की उम्मीद है, जो स्टोरियों के हिसाब से 200 सीटें आने की उम्मीद है, जिसका कि 22 पैसे रेट है। बाकी सरकार बनाने के लिए बाहर का समर्थन तो लेना पड़ेगा इनको, बिना समर्थन के कोई सरकार बन नहीं पाएगी। वैसे सट्टा बाजार में प्रधानमंत्री की दौड़ में मोदी के साथ साथ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह और अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं और सटोरियों ने इनकी भी कीमत तय कर रखी है। देश की राजनीति में खलबली मचाने वाले ये लोग किस बिना पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? कौन कौन चुनावी मौसम में करोड़पति बनने वाला है? आखिर ये पूरा खेल क्या है? आगे हम आपको सब बताएंगे। वरुण जैन के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सट्टा बाजार भले ही मोदी का मुरीद हो चुका है, लेकिन सट्टा लगाने वालों को करोड़पति बनाएंगे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। जी हां, सट्टा बाजार में राहुल गांधी और मुलायम सिंह पर भी तगड़ा दाव लगा है। वजह ये कि इन पर रकम लगाने के बदले में सट्टा बाजार तगड़ी रकम चुकाने का लालच दे रहा है। एक लाख के बदले 1,42,000, 1 लाख के बदले 7,50,000, 1 लाख के बदले 12 लाख रुपए, 1 लाख के बदले 17 लाख रुपए, 1 लाख के बदले 50 लाख रुपए। राजनीति के ये महारथी सत्ता में आने की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार में इन्हीं पर सबसे बड़ा दांव लगा हुआ है।
मोदी सटोरियों के फेवरेट बने हुए हैं तो राहुल पर भी खूब दांव लगा हुआ है। राहुल गांधी को सट्टा बाजार पीएम पद की दौड़ में दूसरे नंबर पर मानकर चल रहा है, जबकि तीसरा नंबर मुलायम सिंह, चौथा नंबर ममता बनर्जी और पांचवा नंबर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। नंबर के हिसाब से इन पर दांव की कीमत भी तय की गई है। मतलब अगर किसी ने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर दांव लगाया है और मोदी पीएम बन गए तो दांव लगाने वाले को 1 लाख के बदले 1,42,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह सट्टा बाजार में राहुल का रेट 6.50 रुपए चल रहा है, मतलब 1 लाख के बदले 7,50,000 रुपए मिलेंगे। सट्टा बाजार में मुलायम का रेट 11 रुपए है, 1 लाख के बदले 12 लाख रुपए मिल सकते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की जो चल रही है ना, मोदी फेवरेट चल रहे हैं सबसे। मोदी जी का 42 पैसे रेट है, अगर आप 1 लाख लगाते हो तो आपको 42,000 मिलेगा। तो राहुल गांधी जी का 11 पैसे 6.5 पैसे है इनका, भी 1 लाख लगाते हो तो 6.5 मिलेंगे। फेवरेट नहीं चल रहे, फेवरेट सिर्फ ओनली मोदी चल रहे हैं बीजेपी के। और मुलायम जी है, इनका 11 पैसे रेट है, 1 लाख लगाओ तो 11 लाख मिलेगा। तो ममता है, ममता पे 1 लाख लगाओ तो 16 लाख मिलेगा। सट्टा बाजार ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी पीएम की दौड़ में शामिल कर रखा है और इन पर दांव लगाने और इनके पीएम बनने पर सट्टा बाजार मोटी रकम चुकाने की बात कर रहा है। सट्टा बाजार में ममता बनर्जी का रेट 16 रुपए दिया गया है, मतलब 1 लाख रुपए के बदले 17 लाख रुपए मिलेंगे। सट्टा बाजार का सीधा सीधा गणित है, आपने जितना पैसा जिस भी प्रत्याशी पर लगाया है अगर वो प्रत्याशी जीत जाता है तो समझो आपकी जेब भी गर्म हो गई, लेकिन अगर वो प्रत्याशी हार जाता है तो समझो कि रकम आपके हाथ से निकल गई। अरविंद केजरीवाल को लेकर सट्टा बाजार के लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल पीएम नहीं बन पाएंगे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर दाव भी कम लग रहे हैं। सट्टा बाजार में केजरीवाल का रेट 50 रुपए रखा गया है, मतलब 1 लाख रुपए के बदले 50 लाख रुपए। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, इनका रेट 50 गुना रेट है, मतलब आप 1 लाख लगाते हो तो 50 लाख रुपए मिलेगा आपको। अगर आप कहते हो कि प्रधानमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे तो आपको 50 लाख मिलेगा 1 लाख लगाते। दरअसल सत्ता बाजार में रेट प्रत्याशी के जीतने की संभावनाओं के हिसाब से तय होता है, मतलब ये कि मोदी के पीएम बनने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, लिहाजा 1 लाख रुपए लगाने वाले को मोदी के पीएम बनने पर 1,42,000 रुपए मिलेंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल के पीएम बनने की उम्मीद ना के बराबर है। इसलिए सट्टा बाजार अरविंद केजरीवाल पर सट्टा लगाने वाले को मोटी रकम का लालच दिखा रहे हैं। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सट्टा बाजार में सिर्फ पीएम की कुर्सी के लिए दाव नहीं खेले जा रहे, बल्कि इस बात पर भी पैसे लग रहे हैं कि चुनाव के बाद गठबंधन में कौन सी पार्टी किसके साथ जा सकती है, बैलेट बॉक्स खुलने पर किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होंगी, इस संभावना पर भी करोड़ों रुपए दाव पर है। किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीट, हर सीट पर लगे हैं करोड़ों के दांव। कौन सी पार्टी किसे देगी समर्थन, पार्टियों के समर्थन पर भी करोड़ों का दांव। चुनाव के अखाड़े में उतरे तमाम नेता जहां अपनी सीट जीतने के जुगत में लगे हैं, तो वहीं चुनावी अखाड़े से दूर सट्टा बाजार के सरगनाओं ने भी हर सीट का भाव तय कर दिया है। भाव सिर्फ सीट का ही नहीं लगा है, बल्कि कौन सी पार्टी कितने सीट जीतेगी, इस पर भी सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए दांव पर लग चुके हैं। चुनाव के इस माहौल में देश का सट्टा बाजार शबाब पर है। सट्टा बाजार में जहां एक तरफ पीएम पद के लिए सबसे ज्यादा बोली मोदी पर लगी है, तो दांव अलग अलग पार्टियों की सीट हासिल करने पर भी लगे हैं। सूत्रों की माने तो सीट हासिल करने के मामले में बीजेपी पर सबसे ज्यादा दांव लगा है। सट्टा बाजार में बीजेपी की 200 सीटें जीतने पर 22 पैसे का भाव है, यानी 1 लाख लगाने पर आपको 1,22,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 210 सीटें जीतने के अनुमान पर बीजेपी का भाव 57 पैसे का है, यानी अगर किसी ने बीजेपी के 210 सीट जीतने पर 1 लाख का सट्टा लगाया होगा तो उसे बदले में 1,57,000 रुपए मिलेंगे।
वहीं बीजेपी के 225 सीटें जीतने पर भाव 1.80 रुपए का चल रहा है, यानी 225 सीटें जीतने की हालत में 1 लाख लगाने वाले को 2,80,000 रुपए मिलेंगे। अब जानिए सट्टा बाजार में क्या चल रहा है कांग्रेस की सीटों का भाव। देश की जनता का मिजाज भांपने का दावा करने वाली तमाम सर्वे के आंकड़े में तो कांग्रेस की पिछली बार से बहुत कम सीट हासिल करने का अनुमान जताया गया है। सट्टा बाजार ने भी कांग्रेस को महज 70 से 85 सीटें हासिल करने का अनुमान जताया है। सट्टा बाजार में कांग्रेस के 70 सीटें जीतने पर 24 पैसे का भाव चल रहा है, यानी अगर कोई सट्टेबाज कांग्रेस के 70 सीट जीतने के अनुमान पर 1 लाख का दांव लगाता है तो उसे 1,24,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 75 सीटें जीतने पर 58 पैसे का भाव है, यानी 1 लाख के बदले 1,58,000 मिलेंगे। और अगर कांग्रेस 85 सीटें जीत जाती है तो भाव 1.60 रुपए का है, यानी 1 लाख के बदले 2,60,000 रुपए मिलेंगे। यानी सट्टा बाजार इस बात को लेकर लगभग आश्वस्त है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 85 का आंकड़ा पार कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला है। अब जानिए सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी का हाल क्या है। आम की देखो जी 6, 8, 9, 10 सीटें का इनका आने का अनुमान है। जो इनका रेट चल रहा है 34 रुपए चल रहा है रेट, भी आप कहते हैं 6 सीटें आएगी तो 1 लाख लगाओ 34,000 मिलेगा आपको। अगर आप कहते हो 8 आएगी तो 1 लाख लगाओ 1,15,000 मिलेगा आपको। 9 कहते हो तो 1,90,000 मिलेगा 1 लाख का। 10 सीटों पे 2,75,000 मिलेगा 1 लाख का। सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी के 6 सीटें जीतने पर 34 पैसे का भाव दिया जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी 8 सीटें जीती तो 1.15 रुपए का भाव, 9 सीटें जीतने पर 1.90 रुपए का भाव चल रहा है, जबकि 10 सीटें जीतने के लिए 2.75 रुपए का भाव दिया जा रहा है। सट्टा बाजार में हर पार्टी के सीटों का भाव तय हो चुका है। सटोरियों ने दाव भी खेल दिया है। अब सट्टा बाजार के हर खिलाड़ी की नजर 16 मई की तारीख पर टिकी हुई है। उसी दिन तय होगा कि कौन माला माल होगा और किसकी किस्मत उसे दगा दे जाएगी। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो उन 2000 लोगों के बारे में बताएंगे जिनका करोड़पति बनना करीब करीब तय है। बाजार के सूत्रों का दावा है कि दाव लगाने वाले करोड़पति बने या ना बने, लेकिन उन 2000 लोगों का करोड़पति बनना तय है जो इस पूरे खेल का हिस्सा बने हुए हैं। सट्टा बाजार के बड़े खिलाड़ियों का दावा है कि चुनाव भले ही हिंदुस्तान में हो रहे हैं लेकिन सट्टा पूरी दुनिया में खेला जा रहा है और अब तक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दाव पर लग चुके हैं और इसे चलाने वाले सिंडिकेट की कमान कथित तौर पर भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के हाथों में है। बस कुछ दिन और बचे हैं जब हिंदुस्तान के करीब 2000 से ज्यादा लोग एकाएक करोड़पति बन जाएंगे और इन्हें पूरा भरोसा है कि इनका दांव कामयाब होगा। अचानक 2000 लोगों के करोड़पति बनने की खबर सुनकर आप भी चौंक गए ना? जी हाँ, सच यही। सूत्रों का दावा है कि अब तक करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आम चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में लग चुकी है और हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 सटोरियों का नेटवर्क फैला हुआ है और इन सटोरियों का दावा है कि इन चुनावों में करोड़ों के व्यारे न्यारे होने वाले हैं। 2000 लोग कैसे करोड़पति बन जाएंगे, उससे पहले ये समझिए कि ये पूरा खेल आखिर चलता कैसे। दरअसल सट्टा बाजार के इस पूरे नेटवर्क को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने फंसा रखा है। जानकारों की माने तो दाऊद के इशारे पे ये सब होता है। दाऊद अपने छोटे भाई अनीश इब्राहिम को सट्टा बाजार खोलने का आदेश देता है। अनीश इसके बाद दुबई में बैठे सटोरियों को हुक्म सुनाता है और दुबई के ये बड़े सटोरिये हिंदुस्तान में बैठे अपने गुर्गों को हुक्म देते हैं। इसके बाद पंटर अपने काम में लग जाते हैं। सट्टा बाजार से हासिल रकम को हवाला के जरिए दाऊद तक पहुँचा दिया जाता है। एंड इनके जो बाहर बैठे हुए बाहर की सारा इनका सिस्टम ही चल रहा है। स्टोरियों का नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा चलता है। लेन देन भी ऐसा सट्टे का ऐसे ही होता है इनका। हवाला करेंगे सारा पैसा हवाला करेंगे आता जाता है। जितना पैसा हवाला करेंगे इसकी पेमेंट होती है। तो इनका जो एक नेटवर्किंग है, इनके काम करने का जो तरीका है, उसका गढ़ कहें हम यदि तो हिंदुस्तान में 2-1 ऐसे सेंटर है जयपुर और दिल्ली जहाँ हिंदुस्तान के जाने माने सटोरिये चलाते हैं सत्ता। सियासत के इस मौसम में सरकार चाहे जिसकी भी बने,
पीएम का ताज किसी के सिर भी सजे, सटोरियों को इससे कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि सट्टा बाजार इन दिनों पूरे शबाब पर है। सट्टा बाजार के कायदे के मुताबिक दाव लगाने वाले को जीत का मुंह देखना पड़े या फिर हार का, उससे सटोरियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लिहाज से वो फायदे में ही रहते हैं। यही वजह है कि जितनी मोटी रकम इस चुनाव में दाव पर लगी है, उसे यही माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में फैले सभी सटोरियों का करोड़पति बनना तय है। दिल्ली से वरुण जैन और मनोज वर्मा के साथ मैं अभिषेक, इंदौर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।